नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार। कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने 14,135 वोटों के साथ लहराया जीत का पर्चा। मिशन गुजरात पर राहुल गांधी का नया दांव, कहा हम किसी से बदला नहीं लेंगे, गुजरात को बदलेंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने पहली बार जारी किया संकल्प पत्र। छात्रों के लिए फ्री वाईफाई का किया वादा, हर घर में पानी की सुविधा देगी सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार में आर पार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़ा प्रदूषण, स्मॉग के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार। फिल्म पद्मावती पर से नहीं छटे संकट के बादल। सूरत नोएडा में पद्मावती का जबरदस्त विरोध, रिलीज होने पर दी हिंसा की धमकी। राजस्थान में एक बार फिर दोहराया पहलू कांड। अलवर में गौरक्षकों ने गाय ले जा रहे मुस्लिम पर बोला हमला, एक की मौत। और T20 टीम में रैंकिंग पर धोनी का आलोचकों को जवाब, मैदान पर जो सही लगता है करता हूँ, रिजल्ट की नहीं सोचता। ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नीलांशु चतुर्वेदी ने बीजेपी के शंकर दयाल त्रिपाठी को करीब 14,000 वोटों से मात दी। सियासी प्रतिष्ठा का विषय बने चित्रकूट सीट पर सत्तारूढ़ बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने बीजेपी के उम्मीदवार शंकर दयाल त्रिपाठी को 14,135 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को कुल 66,810 वोट मिले, जबकि शंकर दयाल को 52,477 मत मिले। कांग्रेस की परंपरागत सीट पर कब्जा जमाने के लिए सत्ताधारी दल ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि सूबे के मुखिया खुद अपनी पूरी फौज को लेकर मैदान में उतर आए थे, लेकिन जनता पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कांग्रेस को ही जिताया। सुबह 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू हुई, तब से कांग्रेस ने बीजेपी पर 537 वोटों से लीड बना रखी थी और देखते ही देखते ये आंकड़ा बढ़ता ही चला गया, जिसके बाद आखिर में नीलांशु चतुर्वेदी ने 14,135 वोटों से जीत का डंका बजाया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह का निधन होने के कारण चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था। प्रेम सिंह ने सीट से 1998, 2003 और 2013 में 3 बार चुनाव जीता था, जबकि 2008 में बीजेपी महज 722 वोटों से जीती थी। पिछले 27 सालों में सीट पर 6 बार चुनाव हुए और एक चुनाव को छोड़कर कांग्रेस हर बार यहां से जीतती रही है और इस बार भी जीत कांग्रेस के पाले में ही आई है। इस जीत के बाद कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, तो वही बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। जहां कल तक सीएम शिवराज सिंह जीत का दावा करते नहीं थक रहे थे, वहीं इस हार के बाद उन्हें बोलना ही पड़ा कि चित्रकूट उपचुनाव में जनता के निर्णय को शिरोधार करता हूं। जनमत ही लोकतंत्र का असली आधार है, जनता के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। चित्रकूट के विकास में किसी तरह की कमी नहीं होगी, प्रदेश के कोने कोने का विकास ही मेरा परम ध्येय है। वैसे सीएम शिवराज ने अपनी हार तो मान ली है, लेकिन अगर हाल ऐसा ही रहा तो कहीं हार का ये रटा रटाया डायलॉग उन्हें विधानसभा चुनाव में भी ना दोहराना पड़ जाए। डीपी लाइव की रिपोर्ट। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव को तो कांग्रेस ने जीत लिया, लेकिन अब गुजरात के गढ़ को जीतना बाकी है, जिसके लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष पूरी जुगत में लगे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मोदी के गढ़ में हुंकार भरी और कहा कि बदला नहीं लेंगे बल्कि गुजरात को बदलेंगे। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि GST और नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की गलती थी, जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात में झूठ की राजनीति कर रहे हैं, गुजरात में कितना विकास हुआ ये सब जानते हैं, पीएम सिर्फ झूठ बोलकर जनता को बरगला रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सदी में ब्रिटिश सेना से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी सरदार पटेल जी ने खादी चरखे और सच्चाई के बल पर आज़ादी की जंग को जीत लिया। आज मोदी जी के पास सेना, पुलिस, सरकार है और मीडिया पर नियंत्रण है, लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं और जीत हासिल करेंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल ने ये भी बताया कि उनके ट्वीट कौन करता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 3-4 लोगों की टीम है जिसे मैं सुझाव देता हूं, इसके बाद उसे ठीक करके हम ट्वीट करते हैं। बर्थडे शुभकामना जैसे ट्वीट मैं नहीं करता हूं, मैं इस पर अपना इनपुट देता हूं और ट्वीट उनकी टीम करती है।
राजनीतिक विषयों पर ट्वीट मैं खुद करता हूं। ट्वीट का खुलासा करने के साथ ही राहुल ने पीएम मोदी के भाषणों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम जो भी करते हैं उसमें प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करेंगे। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो वे अक्सर पीएम के पद का अनादर करते थे, यह हम में और उनमें अंतर है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक बीजेपी विरोधियों के वार से घिरी हुई है, लेकिन बिहार में तो उन्हीं की पार्टी के सांसद ने पूरी बीजेपी को खामोश कर दिया है। पार्टी के खिलाफ बगावत का सुर बुलंद करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने आज पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुना डाली। लाल कृष्ण अडवाणी को राष्ट्रपति न बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अडवाणी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पूछा तक नहीं गया, सभी को उम्मीद थी कि उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन क्या हुआ ये सब जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम बड़े नेताओं को इसलिए ठिकाने लगाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी का साथ दिया। सिन्हा ने कहा कि अडवाणी का साथ देने की सजा उन्हें पार्टी दे रही है, लेकिन वह लाल कृष्ण अडवाणी के साथ खड़े रहेंगे और इसके लिए उन्हें कोई भी सजा कबूल है। बीजेपी पर गुस्सा निकालते निकालते शत्रुघ्न सिन्हा ये तक कह गए कि पार्टी में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, यही वजह है कि पार्टी में जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो हमें मीडिया के जरिए अपनी बात रखनी पड़ती है। नोटबंदी को लेकर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नोटबंदी पर सरकार को सॉरी कहना चाहिए, अगर नोटबंदी सही होता तो जनता जश्न मना रही होती, ना कि सरकार। शत्रुघ्न सिन्हा आज जितना सरकार पर आग बबूला हुए उतना ही वो विपक्ष पर नरम दिखाई दिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में राहुल गांधी को आप हल्के में नहीं ले सकते, विपक्ष को कमजोर न समझें, हनुमान ने लंका में आग लगा दी थी, उसी तरह राहुल कुछ भी कर सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने गुजरात चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को ही नसीहत दी है, लेकिन परेशानी कांग्रेस के लिए भी कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में पार्टी का हाथ थामने वाले अल्पेश ठाकुर ने उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस के पत्ते खोल दिए हैं, जिससे राहुल और अशोक गहलोत हैरान है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अल्पेश ठाकुर ने कहा कि मंत्री शंकर चौधरी ने मुझे वाव विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन मैं चौधरी को बताना चाहता हूं कि एक सेनापति कभी युद्ध नहीं लड़ता, लेकिन यह हमारी सेना है जो उनके लिए काफी है। हमारे उम्मीदवार जेनी बेन ठाकुर वाव से चौधरी को हराने में सक्षम है। उनके इसी बयान के बाद साफ हो गया कि आखिर बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस किसे मैदान में उतारने वाली है। जब अल्पेश ठाकुर की जुबान फिसली उस वक्त मंच पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद था। अल्पेश ठाकुर का बयान सुनकर राहुल गांधी अशोक गहलोत से बात करते हुए आगे निकल गए। वही अल्पेश की बात का बचाव करते हुए एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि अल्पेश को वरिष्ठ नेताओं से उस विधानसभा सीट के लिए आश्वासन मिला होगा, लेकिन उन्हें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बंटवारे का फैसला पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और राजनीति के हंगामे के बाद बात करते हैं जेएनयू की, जहां प्रशासन के आदेश के बाद हंगामा बरपा हुआ है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का आरोप है कि जेएनयू प्रशासन ने छात्रों के इंटरनेट की पहुंच पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही उन सभी चैनलों पर बैन कर दिया है जिसमें मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खबरें दिखाई जाती हैं। अक्सर विपक्ष सहित तमाम दल आरोप लगाते आए हैं कि मोदी सरकार अपने विरोध में बोलने लिखने वाले पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती। कुछ ऐसा ही जेएनयू में भी देखने को मिला, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी आवाज को रोकने के लिए जेएनयू प्रशासन ने उन सभी चैनलों पर बैन लगा दिया जिसमें मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खबरें दिखाई जाती हैं। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि जेएनयू वाईफाई के जरिए कई यूट्यूब चैनल और कई वेबसाइट्स पर स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर सरकार की पॉलिसी के खिलाफ टिप्पणी करने वाली न्यूज साइट समेत जेएनयू प्रेसिडेंशियल डिबेट, स्टूडेंट्स लीडर की डिबेट, प्रोटेस्ट वीडियो, सटायर कॉमेडी वीडियो वाली साइट्स पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं यूनियन का कहना है कि यूनिवर्सिटी वाईफाई पर कंट्रोल रखकर स्टूडेंट्स की एकेडमिक फ्रीडम खत्म करना चाहती है। यूनियन ने मांग की है कि फॉरेन सेंसरशिप हटाई जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात फिल्म पद्मावती पर मचे घमासान की। पद्मावती पर विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के साथ साथ देश के कई राज्यों में संजय लीला भंसाली का पुतला जलाया गया। राजस्थान समेत कई हिस्सों में राजपूत समुदाय, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना ने एक साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। विरोध का असर यूपी में भी देखने को मिला, जहां वाराणसी में वीरांगना महासभा की महिलाओं ने हाथ में बेलन और पोस्टर लेकर पद्मावती फिल्म का विरोध किया।
महिलाओं का कहना है कि पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से दिखाया गया है। इससे पहले हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज भी फिल्म पर बैन लगाने के लिए सेंसर बोर्ड से मांग कर चुके हैं। दरअसल फिल्म का विरोध करने वालों का आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच रोमांटिक सीन फिल्माए गए हैं, जिसे खिलजी अपने सपने में देखता है। हालांकि भंसाली ने ऐसे किसी भी सीन से इनकार किया है। विरोधियों का आरोप है कि फिल्म में खिलजी का महिमा मंडन किया गया है और रानी पद्मावती की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लॉगिन कीजिए dblive.tv। नमस्कार।